चला वो देखो ये खुली है। ये बहुत अच्छी बात है कि दोबारा से धार्मिक स्थल खुले हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, जिसमें आप डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, आप अपने परिवार के साथ या अपने खुद से, आप अपने धर्म के, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसकी आप पूजा कर सकते हैं। और आज मैं भी गुरुद्वारा में आया, कुरुक्षेत्र में, बेहवा में भी मैं कई धार्मिक स्थलों पर गया हूँ। सुबह से तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ 5 बजे से मेरा शुरुआत की हुई है, और सिर्फ मैं हर जगह यही दुआ कर रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ कि जो कोरोना जैसी जो महामारी है, ये हमारे देश से जल्दी जाए, प्रदेश से जल्दी जाए, जिससे कि सभी लोग जो हैं वो अपने पुराने कार्य में, पुराने जो उनके काम है उसमें दोबारा रूटीन में आएँ। और जो भी लोगों को नुकसान हो रहा है, चाहे वो उनका व्यापार हो, किसी भी तरीके की बच्चों की पढ़ाई हो, खेल कूद के खेलने के समय में भी उनकी नुकसान हो रहा है, ओलंपिक इस साल होनी थी वो भी आगे चली गई है, तो कई ऐसे नुकसान हो गए हैं प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में। तो हर जगह दुआ मांग रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो बीमारी है इसका जो है दूर हो, और हम सब अपने रूटीन के कारण में दोबारा वापसी करें। आप यूथ आइकॉन के साथ साथ मंत्री भी हैं प्रदेश के, तो आपने कैसे कोरोना में दो महीने कैसे दिखती है? क्या भाई साहब, यूथ आइकॉन के साथ साथ आप मंत्री भी हैं सरकार, तो 2 महीने में कोरोना को आपने कैसे जिंदगी को? देखिए, मेरा हमेशा रूटीन यही रही है कि जितने भी हेल्पर्स हैं जिनको चाहिए, चाहे वो राशन के प्रति हो, चाहे वो छोटे कार्य के प्रति हो, चाहे उनके पारिवारिक तौर पर मेडिसिन को लेकर, कई ऐसे भी आए हैं जिनको ऐसे टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर, जिनके परिवार कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो ऐसे टाइम पर मैं लगातार उनके संपर्क में रहा हूं। और मुझे अभी भी याद है, जब से लॉकडाउन हुआ है आज तक नॉट ए सिंगल कॉल मैंने मिस की है, अपने पर्सनल फ़ोन पर भी और अपनी टीम की तरफ से भी। तो लगातार हमारी पूरी की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, और ज़िले का नोडल मंत्री होने के नाते यहाँ पर भी पूरा ज़िले के अंदर भी पूरा कार्यकार चलता रहा है, और लगातार डीसी, एसपी और जितने भी हमारे चारों जो हल्के हैं उनके एसडीएम्स, इनके साथ, एसएचओ के साथ संपर्क में रहा हूँ, और साथ साथ धार्मिक स्थलों से जो धार्मिक ग्रुप्स हैं, चाहे वो संस्थाएँ किसी भी रूप की हैं, तो उनके साथ भी लगातार टच में रहा हूँ कि कोई भी अगर आपके पास भी कोई ऐसा व्यक्ति आते हैं जिनको भोजन की ज़रूरत है या जिनको किसी भी तरीके की ज़रूरत है, तो वो आप हमें भी बताएं और आप अपने लेवल पर भी उसको खिलाएं। और लगातार ये 2 महीने में चल रहा है, और अभी रिसेंटली हमने कुछ सेंटर की गाइडलाइन के तहत स्पोर्ट्स ग्राउंड भी ओपन किए हैं, लेकिन वो लिमिटेड एरियाज़ में और लिमिटेड तरीके से किए हैं, जिससे कि जो खिलाड़ी हैं, जो ज़्यादा उम्र के हैं, छोटे बच्चे नहीं, लेकिन जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि 14-15 साल के ऊपर के जो खिलाड़ी हैं, उसको हमने कुछ लिमिटेड टीम गेम्स और इंडिविजुअल गेम को तरीके से, जो हमने एसओपी तैयार किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए, उसी तरीके से हमने शुरुआत भी की है में भी, और टीम गेम में उसमें भी कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और बॉडी कॉन्टैक्ट्स होने से स्वेटिंग होता है, स्लाइवा आता है, तो रिस्की है अभी भी, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का ये हम तय कर रहे हैं कि बॉडी कॉन्टैक्ट गेम्स जो हैं उसमें हम थोड़ा अभी भी इंडिविजुअल तरीके से वो ट्रेनिंग करें, बॉडी कॉन्टैक्ट में ना आए। और जो गेम्स ऐसी हैं जिसको हम ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, और जो गेमें हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि उसको कंपटीशन में कैसे ले गए, लेकिन फिज़िकल फिटनेस की तरफ वो काम भी कर रही हैं, और फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ जितने भी गेमें टीम गेम्स हैं उनको अभी भी ताकत दी है कि आप अपने इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अगर हम टोटल वर्ल्ड की स्पोर्ट्स की बात करें, तो अभी भी ओलंपिक जो अगले साल जो उन्होंने टेंटेटिवली टाइम दिया है, वो हो सकता है कि आगे भी हो जाए और डेफर भी हो सकती है, अभी कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया फाइनल। लेकिन अगर मैं जिस भी स्पोर्ट्स, वर्ल्ड स्पोर्ट्स में बात करता हूँ, हमारी वीसी भी होती है, तो उस दौरान भी यही क्वेश्चन आता है कि आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें, पता नहीं है कब ये बीमारी जो है ठीक होकर हम दोबारा कंपटीशन में आ सकें। तो सबसे बड़ा मैं अपने हरियाणा के स्पोर्ट्समैन को भी और हरियाणा के सभी कोचेस को, हमारी रेगुलर वीसी होती रहती है और उसमें मैं यही बोलता हूँ कि हमें
ये समय मिला है स्टडी करने का, ये समय मिला है अपने मेंटली फोकस्ड होने का, फिजिकल फिटनेस करने का, और हमारे जो इंडिविजुअल स्किल्स हैं जिसमें हम मार खा रहे थे, अपने टाइम नहीं मिल रहा था, उसको शार्प करना। मंत्री जी आप कर रही हैं क्योंकि टीम गेम्स के ऊपर तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कम चांस है उसके नए वर्जन आने के। ये हो सकता है कि हमें स्पेक्टेटर्स के बिना खेलना पड़े, हमें ये भी हो सकता है कि हमारी जो नंबर्स ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट हॉकी इसमें जो नंबर्स ज़्यादा हैं तो उसमें नंबर्स कम वाली गेम्स बन जाएं, 5-a-side हो जाए, 6-a-side हो जाए, तो हो सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम तब तक रिसर्च नहीं कर सकते जब तक ये बीमारी नहीं जाएगी, क्योंकि हम कुछ एग्जांपल या कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक तैयारी के रूप में या एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, रिस्की है, तो ये अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि मैं हमेशा यही कहूँगा कि इस समय में हमें मेंटली और फिजिकली फोकस्ड रहना। हरियाणा गवर्नमेंट भी कोई रिसर्च की तरफ जा रही है कुछ स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स नहीं, अभी रिसर्च के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, रिस्की है, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो रिस्क हो सकता है। लेकिन ओपन जो हमने किए हैं वो भी कुछ कायदे कानून के हिसाब से कि इस तरीके से अगर आप इंडिविजुअल गेम है तो आप 8-10 प्लेयर एक टाइम पर एक घंटे में होंगे, लेकिन बॉडी कॉन्टैक्ट किसी के साथ नहीं रहेगा। अगर आप टीम गेम के हैं तो फिटनेस और इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान है, और इसी के ऊपर मैं कहूँगा। और छोटे बच्चों को हमने अभी ज़्यादा ग्राउंड्स में आने के लिए मना किया है, क्योंकि वो घर पर रहकर अभी भी, क्योंकि रिस्की है। जैसे आप देख रहे हैं रेशो जो है यंग, बहुत वेरी यंग किड जिसको बोलते हैं उसके लिए और बुजुर्गों के लिए जो रेशो काफ़ी रिस्की है, तो उस वजह से हमने यंग बच्चों को अभी थोड़ा स्टे किया है। यही कहूँगा कि इस कोरोना में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जाएगा जिसमें गैदरिंग हो।